नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी के ऊपर। इंसर्जेंसी का मतलब है कि टाइम टाइम पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे, डिफरेंट स्टेट की पुलिस पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और यहाँ तक कि सिविलियंस पे भी अटैक होते रहते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है और इंडियन गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की, तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्वी भारत के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, तो यह इंडियन लैंड का 7.6% हिस्सा है और इसमें टोटल 8 स्टेट्स आते हैं और सिक्किम लेटेस्ट ऐड होने वाला स्टेट है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 3.6% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडियन मेनलैंड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी चौड़ाई मात्र 21 किलोमीटर है और यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है क्योंकि यह चाइना बॉर्डर से कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पॉपुलर है वो है अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 400 एथनिक ग्रुप्स हैं और लगभग 400 से ज़्यादा ही डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड डायलैक्ट्स यहाँ पे बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्वी भारत में इंसर्जेंसी या रिवोल्ट, आर्म्ड फोर्सेज पे अटैक, पुलिस पे अटैक क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई आज का या फिलहाल का इश्यू नहीं है, यह सिंस इंडिपेंडेंस चला आ रहा है। इसके पीछे दो मेन रीज़न हैं। सबसे पहले तो जो उस एरिया के नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लेवल पे नहीं हो पाया। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के रखना चाहते थे, मतलब उसमें वो इंटरफेरेंस किसी भी बाहरी समुदाय का या आउटसाइडर्स का पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इंसर्जेंसी की शुरुआत डेवलपमेंट में पीछे रहने की वजह से और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए हुई थी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दोनों बातें तो बिल्कुल जायज़ हैं किसी भी इंडियन सिटीजन की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंट्स हैं उनके जो तरीके हैं अपनी डिमांड मनवाने के लिए वो गलत हैं। वो बंदूक के दम पर अपनी डिमांड्स को मनवाना चाहते हैं और जो मेन इश्यू है वो यही है। तो इंडियन गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ना देने की वजह से होता ये है कि उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अलग अलग ट्राइब्स के लोग हथियार उठा लेते हैं और इसकी शुरुआत नागा ट्राइब से होती है। नागा ट्राइब्स NNC के बैनर के नीचे, नागा नेशनल काउंसिल के बैनर के नीचे अपनी डिमांड्स मनवाना चाहती है और यहाँ तक कि 1959 में नागाज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो नागाज को कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1963 में नागालैंड एक अलग स्टेट बना देती है और ऐसे ही जो अलग अलग स्टेट मेघालय, मिजोरम, ये सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 8 स्टेट्स हैं, इनके बनने का भी कारण यही है कि उस पर्टिकुलर एरिया के ट्राइब की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना, उनको किसी हद तक ऑटोनॉमी देना। तो नागालैंड स्टेट बनने के बाद उस एरिया के ट्राइब्स में, वहाँ के नेटिव पीपल्स में, अलग अलग एरिया के मोटिवेशन में आ जाता है कि हम भी कहीं ना कहीं एक अलग स्टेट बन सकते हैं और अपने आप को अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं। तो 1972 में मेघालय और मणिपुर बनते हैं। मेघालय में गैरो, खासी, जैनतिया, 3 ट्राइब्स की ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेघालय स्टेट बनाया जाता है। मणिपुर बनता है, फिर उसके बाद मिज़ोरम बनता है 1987 में। अगर मिज़ोरम की हम बात करें तो 1959 में वहाँ पे मोटम फेमाइन आता है जिसमें वहाँ के बैम्बूज ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनमी है तो वहाँ के लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाता है और उनके बार बार इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस फेमाइन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो मिज़ोरम में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और मिजो नेशन फ्रंट नाम से एक संगठन बनता है जो 1966 आते आते अपने आप के इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाने लग जाता है और इसी के चलते टाइम लगभग 20 साल के बाद 1987 में
मिज़ोरम स्टेट बना दिया जाता है। इसी तरह और भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। इंसर्जेंट्स का इतना उग्र होने के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी रोल बताया जाता है, जैसे चाइना म्यांमार उस एरिया में इंटरफेयर करते हैं, पाकिस्तान की ISI कहीं ना कहीं उस एरिया के इंसर्जेंट्स को फाइनेंशियल तौर पे मदद करती है और इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग तक भी प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स के बारे में जो उस एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हों, तो सबसे पहले आता है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल अलाउ करता है ऑटोनोमस काउंसिल के फॉर्मेशन के बारे में। ऑटोनोमस काउंसिल का मतलब है कि जिस एरिया या डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस काउंसिल है उस एरिया में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होगा और उन लोगों को, उस एरिया के लोगों को ये रियलाइज करवाना कि वो खुद अपने आप पे रूल कर रहे हैं। तो आज के टाइम में इंडिया में 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है इनर लाइन परमिट का प्रोविज़न। इसका मतलब है कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में बिना परमिशन के किसी भी आउटसाइडर को एंट्री नहीं दी जाती है। इसके पीछे जो एम है वो है टू मेंटेन द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ नेटिव पीपल। नेक्स्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सक्लूसिवली, एंड जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी थ्रू द वाटर और लैंड इनक्रीज की जा सके। अब हम बात करें कि फ़िलहाल सिचुएशन क्या है, इंसर्जेंसी कम हुई है या बढ़ी है। तो पिछले साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि 2014 के कंपैरिजन में काफ़ी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में कमी आई है, जैसे 80% इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में कमी आई है, 75% जो हमारे जवान पहले शहीद होते थे उसमें 75% की कमी आई है और 99% कहीं ना कहीं सिविलियन डेथ्स कम हुई हैं एज कम्पेयर टू 2014। और 2020 में लगभग 2600 के आसपास जो इंसर्जेंट्स थे उन्होंने सरेंडर किया है, मतलब हथियार डाले हैं। और अगर हाल ही की हम बात करें तो 3rd of September को कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आसाम गवर्नमेंट और एक साइड 5 ऐसे ही इंसर्जेंट्स ग्रुप थे उनके बीच में हुआ है। इसके बाद लगभग 1000 इंसर्जेंट्स ने अपने हथियार डाले हैं, जो एक इंडिया के लिए अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।